नहीं पानी यहाँ पे आगे का उछल क्यों रहा है? हाँ दीपा, ये पानी ना यहाँ पे आगे इतना उछल क्यों रहा है मेरे को समझ नहीं आया। अच्छा, जिस वजह से ही उफान मार रहा है। एक टाइम ये रास्ता ब्लॉग मतलब रास्ता वहाँ से वॉक करता था और आज रास्ता यहाँ से, क्योंकि ये पूरा चट्टान आ चुका है इस वजह से। That was the reason. The next day. Hey everyone, good morning. तो morning के अभी 8 बज रहे और पिछले कल आधे के बाद मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि जब मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला था। जब मैं यहाँ आई तो मेरी ननद जो है वो आ चुके थे चंडीगढ़ से और फिर उनके साथ वो गेस्ट भी आए हुए, तो इस तरीके से कल फिर आने के बाद घर वालों के साथ बिजी थी तो मतलब ब्लॉग आगे कंटिन्यू करने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। तो मैंने सोचा चलो आज का भी मिस कर लेंगे इसी में। बाकी गिफ्ट्स लाए हैं ननन जो चंडीगढ़ से आए थे तो वो कुछ लेके आए हमारे लिए, तो वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। फिलहाल तो मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और ब्रेकफास्ट में अभी बन रहा है मैक्रोनी, और अभी पहले ये बना लेते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। A few moments later. तो अभी हम पीओ आ चुके हैं और जल्दी जल्दी में आए तो मैं बताना भूल गई कि हम पीओ की तरफ आ रहे हैं। तो अभी हम यहाँ से कुछ सामान लेने आए हैं और उसके बाद देखते आगे क्या रहता है। आपको दिखाती हूँ तो फिलहाल हम आए लंच करने के लिए लिटिल शेफ में और यहाँ से व्यू है इस तरीके का, चौक दिख रहा है चौक के साथ ही ऊपर और कोई भी नहीं अंदर फिलहाल। और यहाँ पे धंधे चले नहीं है गिर जाओगे A few moments later. तो हम घर पहुंच चुके हैं और अभी हमें टाइम हो चुका है घर आके, एक दो घंटे हो चुके होंगे, मतलब कि मैं, मम्मी और रविवान आए घर, बाकी विहान और मेरी ननद और उनके दो फ्रेंड्स वो कल्पा गए घूमने और साथ ही साथ दीपक गए हैं किन्नर कैलाश की यात्रा। तो दीपक गए वहाँ पे, आज सुबह सडनली प्लान मिल गया था तो चले गए। बाकी इतनी गर्मी है, कोई गर्मी का हिसाब नहीं है, क्या ही बोले दोस्तों, इतनी ज़्यादा गर्मी है तो बस ऐसे ही आज गर्मी की वजह से हालत ख़राब हो गई। फटाफट आए, मुँह हाथ धोया, कपड़े वपड़े चेंज किए, उसके बाद मम्मी यहाँ पे थोड़ा सा फेस लाल का हो गया, पहले तो निकल जाएगा और फिलहाल मैं बना रही हूँ चाय
और जब वो लोग आएंगे तो आपको भी मिलाती हूँ उनसे। और बाकी हाँ, कुछ गिफ्ट्स लाए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में कि क्या क्या वो हमारे लिए लेके आए चंडीगढ़ से, मतलब कि जो मेन है वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। आए तो बोल दो। अब बोलो है। ऐसा लग रहा है गांधी जी के तीन बंदर बैठे लाइन से, तो ऐसे बैठे। मैंने कुछ नहीं सुना। तो आपने देख लिया वो फ्रॉक सूट, और दूसरा लाया है ये शूज विहान के लिए, ये लाइट वाले शूज इस अभी पहने थे उसने, सेम विहान के भी है, तो ये दो हो गए। और मैं भी आपको देखा, तो ये शूज हो गए और दूसरा भाई साहब ने जो नाइट सूट पहना है ये लाया है, और विहान का पता नहीं अभी कहीं रखा हुआ है। बाकी झंडा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा करती हूँ। चलो इसको सीधा करिए, चलो 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 या ये सब तो आपने देख लिया कि क्या क्या भिजवाया है, भिजवाया क्या मतलब लेके आया वो हमारे लिए चंडीगढ़ से। बाकी आज हम पीओ क्यों गए थे वो भी बता देती हूँ। आज हमने वहाँ से भी किए शॉपिंग, बट हमने नहीं किया, मम्मी और मैंने मतलब लिया हमारे लिए, बट हमने नहीं लिया, ननन ने लिया है। तो मम्मी और मेरे को एक एक सूट गिफ्ट किया, और मैंने लिया है इस वाइट कलर में, क्योंकि जो मेरे पास वाइट कलर वाला सूट है उसका मतलब फिटिंग नहीं आती मेरे को, क्योंकि ये काफ़ी पहले सिलवाया था, बट अभी भी नया है वो, कभी एक दिन तो वेट कम हो ही जाएगा, वैसे तो काफ़ी हद तक हो चुका है, तो जब हो जाएगा प्रॉपर तरीके से तो आ जाएगा। पर फिलहाल वाइट तो नहीं है, क्रीम कलर का है, बट इसमें वाइट शो होगा। तो ये उसका स्टॉल है सूट, हम मम्मी और मैंने सिलवाने दे दिया, तो ये स्टॉल है। जब से स्टॉल वाले सूट पहनने स्टार्ट कर दिए तब से कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो मम्मी और मेरा सेम सेम ही है, थोड़ा मेरे आपको मेरा कलर मतलब कलर क्या मतलब डिज़ाइन का आइडिया नहीं लग पाएगा, बट मम्मी का डिज़ाइन सेम है, कलर अलग है। हाँ, मेरा वाइट है, मम्मी का ब्लैक है, और ब्लैक वाला दिखाती हूँ। तो ये मम्मी का है ब्लैक वाला, बट मुझे ब्लैक में चाहिए था बट नहीं मिला। चलो ब्लैक में मतलब कि ये वाला नहीं, ये मम्मी ने ले लिया था, जब मम्मी का देखा तो मुझे पसंद आया, तो उनको डिज़ाइन भी पसंद आया था, तो ये वाला ब्लैक वाला है जो मम्मी का है, और वाइट वाला मेरा है। तो फिलहाल ये दो सूट लिए, जब आएंगे तो मैं आपको दिखाऊँगी। बाकी अभी हम पीओ जाके सूट खरीदने गए थे स्पेशली यहाँ से, तो ये सब कुछ लाए हैं ननंद, और उनके साथ आए दो फ्रेंड्स जो मैंने आपको दिखा दिए। बाकी ये सब कुछ वन बाय वन गिफ्ट मिल रहे, तो ये सब कुछ हो गया। बाकी आज के ब्लॉग के एंडिंग तो मैं यही करती हूँ, क्योंकि सारे गए हैं घूमने, मतलब घूमने मीन्स कि खेत गए, और मैं हूँ घर पर फिलहाल, विवान को सुला दिया, मैं बनाऊँगी खाना, और उसके बाद कुछ है नहीं उसके बाद। तो बाकी पति देव तो आपको पता ही है कि नर कैलाश गए हुए, तो इस करके तो फिलहाल ये सब काम रखती हूँ इधर, और बनाने जाती हूँ खाना फटाफट से। बाकी आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाकी मैं सब्सक्राइब करके जाना, अगर नहीं करना चाहते तो मत करना, बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ फोर्सफुली बोल रूँ कि हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करें, अदरवाइज नहीं। बाकी मेरा जुकाम अभी फिलहाल ठीक नहीं हुआ, आपको अगर आवाज़ से मेरी आवाज़ सुन के पता चल रहा हो कि मुझे जुकाम लगा हुआ, तो ये बाकी आज आपने कुछ नोटिस किया हो तो मैंने ब्लू कलर की बिंदी लगाई है, जैसे मैंने ये पहना सेम, तो आज मैं बिंदी लेके आई हूँ। मेरे को मतलब कभी मैंने अपनी जब से शादी की है 7 साल हो गए मेरे को, मैंने कभी ऐसे जैसे सूट डाला हो वैसा बिंदी नहीं डाला, बट फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा डाला है जैसा सूट वैसा वैसी बिंदी। पहले पहले मैं अपनी मम्मी को देखा करती थी वो डालते थे, तो मैंने सोचा इस बार मैं भी कर लेती हूँ, थोड़ा सा ऐसा कुछ अलग सा होना चाहिए ना, तो इस करके तो बताना कैसा लग रहा है। बाकी चलो मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में, देखते हैं कल क्या रहता है, तब तक के लिए बाय।